काजल की दुनिया में आपका स्वागत है। पूरे मोर में आग लग गई थी ये देखो। और यहाँ पर हम सब चूल्हे पर बना रहे थे लड्डू। और आटा लगवा देना बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी व्लॉग। काजल की दुनिया में आपका स्वागत है, पहाड़ी दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वेलकम बहुत अलग तरीके से कर रही हूँ, लाइक पहाड़ी दुनिया में आपका स्वागत है। आप लोगों ने हर जगह कुछ ना कुछ देखा है, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने नागालैंड की दुनिया तो कभी नहीं देखी होगी। तो आज से और अब से मैं आपको यहाँ की ही दुनिया, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो चीजें होती है, आज से आपको मैं वही दिखाया करूंगी। तो आज है मंडे और मैं आई थिंक 4 या 5 डेज में व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। रौनक आ रही है, तो रौनक को आप जानते होंगे, तो रौनक अभी आती है, रौनक से आपको मिलवाती हूँ। और मौसम की बात करें तो 2 दिन तो बिल्कुल धूप नहीं निकली, 2 दिन तो इतनी ठंड थी कि 48 घंटे तक बारिश हुई है। और क्या बोलता है, मैं कल तो नहाई भी नहीं थी, आज मंडे था, मेरा फर्स्ट भी था, तो मैं सोच चलो आज नहा लेते हैं। पूजा वूजा कर ली, फ्री हो चुके, अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना है, तो चलो अब मैं आपको भी मार्केट की शेयर कराती हूँ और यहाँ का आपको मार्केट दिखाती हूँ और आपको बार्गेनिंग करना भी सिखाती हूँ कि यहाँ पर बार्गेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लोकल मार्केट ही है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो चलो चलते हैं। और ये अब हम चल दिए इन टेढ़े टेढ़े रास्तों से। ये रास्ता तो सबको याद हो गया होगा अब तक तो, है ना? ये रास्ता किस किस को याद है बताओ? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यार, इतनी ध्यान से उतरना पड़ता है। नीचे जाके मिलती हूँ मैं। सारा ब्लैक देखो, ये सारा देखो, पूरा देखा रौनक, कितनी भयंकर आग लगी थी। और यहाँ पर इधर देखा, और यहाँ पे ये है ना, पूरा मार्केट हुआ करता था, इस पूरे मार्केट में आग लगी। नहीं रौनक, फिर को देखो, मैं बाइकों को कबर चढ़वा रहा, चढ़वा दूँ क्या इससे? चल चढ़वाते। ये है रौनक, रौनक से हाय। हाय रौनक, ये रौनक मेरी बेस्ट फ्रेंड है नागालैंड वाली। यहाँ पे हम चढ़ेंगे कवर इस शॉप पर। मैंने रौनक ने कवर तो चढ़वा लिया, लेकिन हम दोनों को लूट लिया, 200 रुपए में से 20 रुपए भी लौटा के नहीं दिए। और ये है ना, इसको है ना बार्गेनिंग करानी आती है, मतलब इसको नागा वाली लैंग्वेज आती है, इसने ना फिर भी बार्गेनिंग नहीं कराई। मेरे को तो खैर आती नहीं, मेरी तो मजबूरी है। इसमें ट्राई करेंगे कुछ बनाओ। 150 का है क्या? हाँ वही तो, बहुत गर्म है अंदर से। मेरी साइज है, मुझे पता है। देख मेरे शूज के लिए भी अच्छे हैं। इसकी क्या प्राइस है अंकल? आज मेरे को हिचकी आ रही है, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है। सुबह मेरे को आ रही थी, देखो मैं याद कर दी थी। तो मेरे साथ चल रही है पागल। कहीं जूते नहीं मिल रहे। हाँ चलेगा चलेगा, गर्ल्स है ना ये भी। मटेरियल का कोई और यार तेरे को जूता नहीं लगे दे रहे, तूने इतना सस्ता ले लिया इस चक्कर में। भाई सस्ता जूता ले लिया। हाँ तभी तो देर, एक का बोला होगा दाम एक जूते का। फाइनली हमने जूते ले लिए हैं, जूते फाइनली घर आ गए। सामान आज हमारे घर में बन रहे हैं लड्डू, और बुआ जी और आंटी जी आई हैं लड्डू बनाने। बुआ जी क्या बना रही हो आप? लड्डू बना रहे ना, चक्री अच्छा से नहीं चलता, चक्री थोड़ा बेकार होगी, तो इसको भी डाल के आऊंगे बनवाने। अब नया चक्री डाल दो। आज बना रहे हैं हम चूल्हे पर, चूल्हे पे बना रहे हैं हम। कढ़ाई ले चलो, पकड़ ले, आ जाओ। हलवा बन रहा है, हलवा नहीं लाड्डू बन रहा है। लाड्डू कोको, तू कहाँ से नीचे निकल रहा है बेटा? सूजी लाऊं? गलाम नहीं सुनो, बिना सूजी के नहीं होते। तो कहीं वही होता है, बुम बुम होता है नीचे। आपके लिए भी कुर्सी लेके आती हूँ, रुको।
और यहाँ पर हम सब चूल्हे पर बना रहे थे लड्डू। और ये गुड़िया थी, नाम इसका बार बार भूल जाती, प्रियांशी है शायद। और बुआ जी, आंटी जी, भाभी सब आए हुए थे, तो हम लोग हंसी मजाक करते करते लड्डू बना रहे थे। आंटी जी मम्मी की बहुत पुरानी दोस्त है और बुआ जी तो मम्मी की ननद है ही, तो बहुत अच्छा है, लगता है सारे लोग एक साथ बैठकर ऐसे चूल्हे पे हम लोग बना रहे थे। आपके यहाँ पे चूल्हे बनाते थे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये हमारी नीचे वाली भाभी, इन्हीं की वो गुड़िया है, ये देखो मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ इसको यार, लेकिन बहुत हार्ड होता है, इतना वजन होता है ना इसमें, हाथ में पेन होने लग जाता है। किस किस ने चूल्हे पे बनाया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मठरी है ना, मठरी का आटा लगवा देना बस, बाकी मैं काट के बन के जाके पर गांव में ही सेकती हूं, मेरे को आटा लगाना नहीं आता, मठरी का ऐसा लगाना। कौन सा वो फूल मर गए गया, नमकीन में रोके हुए, नमकीन ओ उसका आटा मुझे लगाना नहीं आता, बाकी सब करना आता है, उसका सेकना आता है, काटना आता है, बेलना आता है, आटा लगाना नहीं आता। नमकीन को कैसे लगता है वो लगता है गर्म पानी से, थोड़ा घी डालना पड़ता है। शक्ल पे बज रहे हैं मेरी 12, प्लीज मेरी शक्ल को इग्नोर ही करना आप लोग। मौसम की बात करें तो देख लो मौसम भी ऐसा हो रखा है। लड्डू बन चुके हैं, बुआ जी, आंटी, भाभी सब बातें कर रहे हैं बाहर, और ये रहे लड्डू। अब मैं बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय, चलो चाय बनाते हैं। बना की बन रही चाय। और गाइस कितना अच्छा लगता है ना जब सब घर पर आते हैं, इतनी सारी बातें होती है, आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, सब कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाय बुआ जी, अब जल्दी आ जाना दोनों वापस। अब मैं आशु, अब पक्का आशु बुआ जी। बाय आंटी जी, ध्यान से जाना है ना। बाय। फाइनली सारे लोग गए और एकदम से घर हो गया खाली। और ये मेरे क्या तेरे नाम की मांग से निकलने लग गई है, ये मैंने 2 दिन पहले मेरे बाल काट लिए और अब इतने गंदे लग रहे हैं, पूछो मत, मेरे को इतने गंदे लग रहे हैं यार, ये बढ़ने में पता नहीं कितना टाइम लेंगे। जब लास्ट टाइम मैंने काटे थे ना तो बहुत अच्छे कटे थे, बहुत अच्छे एकदम लेयर में, इस बार तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कटे, बहुत गंदे लग रहे हैं, बहुत गंदे। आई होप आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा आपका प्यार होगा उतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट होगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज घर बहुत भरा भरा रहा, मैं भी फुल डे बिजी रही थी, फिर मार्केट गए, फिर शॉप गई, फिर घर आई थोड़ी देर लेटी। सो आज का पूरा दिन फिनिश करते हैं और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।